दोस्तों, आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, मैं गौतम बरिया फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल गौतम बरिया। दोस्तों, आज हम बताएंगे कि विबिल टू गिम्बल को बैलेंस कैसे करना है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन अधूरी रह जाएगी। तो इससे बेटर है आप आई बटन पर जाइए, वहाँ पर भी आपको पार्ट वन मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन से भी आपको पार्ट वन मिल जाएगा। ये पार्ट टू है। तो दोस्तों, पार्ट टू में हमें सीखना है कि इसको बैलेंस कैसे करें, ये जितना पार्ट वन में दिखाया था उसको दिखाते हुए। तो सबसे पहले तो मैं ये रेजर प्लेट लूँगा। तो आपको ये स्क्रू लेना है और यहाँ पे ऐसे नीचे से, ताकि अच्छा ये प्लेट होती है कि जब हम कैमरे पे कोई बड़ा लेंस लगाते हैं, बड़ा यानी कि जो बॉडी के आकार से बाहर निकलता हो, वो भी हम अभी आपको बताएंगे। और ये हमारी जो क्विक रिलीज प्लेट है, तो क्विक रिलीज प्लेट में हम लगाएंगे दो स्क्रू क्यों, वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो एक स्क्रू डाल दिया और अभी ये डालेंगे दूसरा स्क्रू। तो ये मेरा दो स्क्रू हो गया। अभी आप देख सकते हो कि ये जो मेरा कैमरा है वो कैमरे से लेंस थोड़ा बाहर निकल रहा है। अगर ये लेंस थोड़ा छोटा होता तो इसके ऊपर रहता, तो मुझे ये छोटी प्लेट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ये लेंस थोड़ा सा बड़ा है कि इससे बाहर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे ये प्लेट लगाऊंगा। ये वाला जो पार्ट है, ये वाले पार्ट को हम आगे की तरफ रखेंगे, लेकिन उसके पहले हम प्लेट फिट करेंगे ये वाला। अच्छे से स्क्रू ड्राइवर से इसको टाइट करें ताकि ये जब आपका कैमरा बैलेंस हो जाए उसके बाद हिले नहीं। दूसरी प्लेट के दो स्क्रू जो कि रेजर प्लेट में ऑलरेडी उसके लिए उसके थ्रेडिंग बने हुए हैं, तो इसको भी प्रॉपर हम अच्छे से फिक्स करेंगे ताकि हमारा कैमरा बैलेंस करने के बाद बैलेंस ख़राब ना हो जाए। और ये प्लेट को आप ऐसे भी फिट कर सकते हो एज़ पर योर बैलेंसिंग। अगर ये प्लेट को आप आगे पीछे करना चाहो यानी कि लेंस के अकॉर्डिंग, तो आप कर सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे ही फिक्स हो, लेकिन आपको ज़रूर ये चीज़ नोटिस करनी है कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका आगे की तरफ यानी कि बैक साइड नहीं, ये फ्रंट साइड रहेगा। अभी मैं प्लेट को हल्का सा पीछे लूँगा, तो मैं प्लेट को हल्का सा पीछे ले लिया और पीछे लेने के बाद इसको
को यहाँ पे अच्छे से हम टाइट करेंगे और एक बार रिंग को हाथ से घुमा के देखेंगे। हाँ, ये मेरी फोकस मोटर यहाँ पे वर्क करेगी। तो ये मेरा, मैंने जूम पे लगाया हुआ है, तो यहाँ पे आप बटन भी देख सकते हो, मेरा जूम पे है, एक जूम है, एक फोकस है और एक कैलिब्रेशन का बटन है। अब ये कैमरा मेरा तैयार है कि मैं अब गिम्बल पे लगा सकता हूँ। इस पे मैंने एसेसरीज डाल दिए। अगर मैं इसके आगे एनडी फिल्टर या हुड लगाना चाहता हूँ तो वो भी लगा दूंगा। बैटरी और मेमोरी कार्ड, सीधी सी बात है, वो तो लगाना ही है। तो बैलेंस करने से पहले आपके कैमरे में क्या क्या एसेसरीज लगानी है। अब मेरे पास एक और चीज़ बच जाती है जिसको हम बोल देंगे लेंस सपोर्टर। तो हम लेंस सपोर्टर भी यहाँ पे लगाएंगे। लेंस सपोर्टर यहाँ पे लग जाएगा। तो अब ये मेरा कैमरा यहाँ पे मेरे गिम्बल पे, तो यहाँ पे हम कैमरा लगा रहे हैं। और अभी ये सीधी सी बात है बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस मेरा ख़राब हो सकता है। बैलेंस करने से पहले मुझे लगाना है मेरा HDMI डिवाइस और बहुत सारे वायर, बहुत सारे तो नहीं, 3 मेन वायर है जो इसके साथ लगाने वाला हूँ मैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि इसके नीचे एक प्लेट है। अगर ये प्लेट भी आपको तब मिलेगी जब आप खरीद रहे हो HDMI डिवाइस, तो ये प्लेट एलन की से आपको फिक्स करनी है, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फिक्स कर रखी है। तो ये एलन की से फिक्स होगी। इसके साथ आपको छोटा सा एलन की भी मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्लाइड इन जो बनाया गया है एरो, तो सीधी सी बात है ये एंटीना मेरा फ्रंट साइड रहेगा और ये जाएगा मेरा यहाँ पे साइड इन में। अब इसके जो एंटीना है वो एंटीना को मैं ऐसे घुमा के यहाँ पे रख सकता हूँ। और अभी आती है वायर लगाने की बारी। ये येलो कलर का जो वायर है, वो येलो कलर का वायर स्पेशली मेरे डिवाइस के इस तरफ, डिवाइस के इस तरफ से यहाँ पे जाएगा और गिम्बल में मेरा जो ऊपर वाला निशान है, जो ऑलरेडी, सॉरी, नीचे वाला निशान है जहाँ पे ऑलरेडी दर्शाया गया है कि HDMI डिवाइस यहाँ पे लगेगा। तो ये यहाँ पे फिक्स होगा। यहाँ पे एक और निशान बनाया गया है फोकस पुलर वाला, तो ये वायर है स्पेशल फोकस पुलर के लिए। तो फोकस पुलर का वायर लगाने के लिए मेरे गिम्बल में यहाँ पे भी फोकस पुलर का निशान बनाया गया है, तो ये यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे लगने के बाद यहाँ जाके ये यहाँ लग जाएगा। HDMI डिवाइस यहाँ पे लग जाएगा और कैमरा ऑपरेटिंग केबल हमारा यहाँ पे लग जाएगा। तो अब हमारा वायर का तमाम काम समाप्त हो चुका है। अब बारी है हमें इसे बैलेंस करने की। जी हाँ दोस्तों, बैलेंस में हमें सबसे पहले तो हमारा कैमरा जो आपको दिख रहा है कि पीछे की तरफ झुक रहा है, ये आपको कैमरा पीछे की तरफ झुक रहा है, तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे इसको, ये लॉक है, ये लॉक जो दिख रहा है आपको, तो
हल्का हल्का बैलेंस करने की कोशिश करनी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहली बार में आपका बैलेंस परफेक्ट हो जाए। आप डेली इसके बैलेंस की प्रैक्टिस करिए ताकि आप इसके साथ दोस्ती कर सको। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हो कि टिल्ट अप डाउन अभी यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ से कर दूंगा इसको लॉक। ये हमारा लॉक। अभी यही गिम्बल को हम ऐसे ऊपर की तरफ रखना चाहते हैं, नीचे ऐसे नहीं आना चाहिए। तो हमारा जो ये पोर्शन है, ये पोर्शन पे हमें इसको प्रॉपर बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसको हम कर देंगे लूज करने के बाद कैमरे को ऐसे रख के छोटे से छोटी चीज़ आपकी बैलेंस को ख़राब कर सकती है। तो इसको प्रॉपर आराम से मैक्रो एडजस्टमेंट, जिसको हम बोल सकते हैं कि हमें मैक्रो एडजस्टमेंट करना है। तो मैक्रो एडजस्टमेंट में अभी आप देख रहे हो कि मेरा ये प्रॉपर बैलेंस हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ पे करूँगा लॉक। लॉक करने के बाद अब ये कैमरा मेरा यहाँ पर नीचे की तरफ झुक रहा है, तो मुझे हल्का सा पीछे भी लेना है। तो मैं यहाँ से हल्का सा पीछे लूँगा और फिर से यहाँ पे कर दूंगा लॉक। अब जाके मेरा जो मोटर नंबर 2 है, ये मोटर नंबर 1 मेरा बैलेंस हुआ, अभी मोटर नंबर 2 का मैं लॉक खोलूँगा। तो यहाँ पे मैं इसका लॉक खोल रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने इसका लॉक खोला, ये नीचे की तरफ यानी कि इस तरफ झुक गया है, तो मुझे ये प्रॉपर बैलेंस करना है। तो उसके लिए यहाँ पर लॉक बनाया गया है, जो ये लॉक आप देख रहे हो। तो ये लॉक को मुझे यहाँ से ओपन है, और ओपन करने के बाद अब मुझे प्रॉपर बैलेंस करना है। तो ये मेरा प्रॉपर बैलेंस हो चुका है, उसके बाद मैं इसको कर दूंगा लॉक। तो ये हमारा प्रॉपर यहाँ पे ये बैलेंस हो चुका है। अब आता है लास्ट एंड फाइनल बैलेंस, जो कि आपको उसके लिए ये लॉक खोलना है। यहाँ से ये लॉक को भी ऊपर करना है, और ये इसका लॉक है कि मान लो मैं अभी मेरे गिम्बल को यहाँ पे 45 डिग्री झुका रहा हूँ, तो ये घूम गया। तो ऐसे घूमना नहीं चाहिए। तो घूम गया है, तो इसके लिए मुझे पहले तो प्रॉपर, अब मैं इसको एक बार घुमाता हूँ, तो भी ये घूम गया। अब ये मेरा यहाँ पे भी ये प्रॉपर बैलेंस है। अगर मैं इसको लॉक कर देता हूँ, और लॉक करने के बाद अगर इसको इस तरफ भी झुकाता हूँ, तब भी ये घूम नहीं रहा है और ना यहाँ से घूम रहा है। तो ये मेरा प्रॉपर बैलेंस है। अभी जाके मैं इसका पावर ऑन कर सकता हूँ। तो पावर ऑन करने के लिए आपको पावर का बटन लॉन्ग प्रेस करके रखना है। ये बैलेंस चेक है, तो बैलेंस चेक के लिए आप यहाँ पे जैसे ही टच करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा। अगर मैं किसी भी मोटर पर लोड या टेंशन दे रहा हूँ, तो वो पार्ट येलो की ओर जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपका कोई लॉक छूट गया है या कुछ भी है, तो बैलेंस चेक में जाके एक बार आप चेक करें कि आपकी मोटर पर कहीं पर लोड तो नहीं आ रहा है, या तो वो अनबैलेंस तो नहीं है, तो यहाँ पर आपको दिखाएगा। तो ये सारे पॉइंट आपके सेंटर में होने चाहिए, बस यही है बैलेंस चेक। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरी जो फोकस की मोटर है, उसमें पावर ऑलरेडी आ चुका है, और ये पावर की एलईडी जो है ब्लिंक कर रही है। और इसको सबसे पहले हम कैलिब्रेट करेंगे, तो कैलिब्रेट के बटन को प्रेस करिए, तो इसकी मोटर कैलिब्रेशन हो जाएगी कि अपने आप कैलिब्रेट कर देगी कि इसका बेल्ट कहीं तिरछा विरछा तो नहीं लगा है। तो ये कैलिब्रेशन बटन एक बार आपको प्रेस करना है। Thank you.
HDMI डिवाइस, और HDMI डिवाइस को भी एक बार ऑन करना पड़ेगा। इसके पावर के बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखो, और लॉन्ग प्रेस करके रखने के बाद आप देखोगे कि इसमें भी एक ग्रीन कलर की लाइट चल जाएगी और इसमें नेटवर्क के जो भी पॉइंट्स है वो भी दिखाई देंगे। तो ये है हमारी HDMI डिवाइस जो डिस्प्ले के लिए अब रेडी है। कैमरे का डिस्प्ले देखने के लिए आपको कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको बस ये टच स्क्रीन पे ऊपर से नीचे स्लाइड करना है। ऊपर से नीचे करोगे आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा कैमरे का मेनू आ चुका है। तो जैसे ही मैं सेट पे जाऊँगा पूरा डिस्प्ले इसमें आ जाएगा। तो दोस्तों आज हमारा Zoom Bevel 2 का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? ये आज के डेट का सबसे एडवांस गिम्बल है। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं सारी चीज़ों में एडवांस और अपडेट रहूँगा तो गिम्बल में क्यों नहीं रहूँगा। और ये गिम्बल अभी मेरे पास है जो आज की डेट का सबसे अपडेट गिम्बल है। सबसे अहम चीज़ ये है इसकी स्क्रीन, जो कि मैंने आज तक कोई और गिम्बल में देखी नहीं। और ये स्क्रीन आप देख सकते हो कि मेरा कैमरा, अगर ये मैं 360 डिग्री घुमा रहा हूँ तो भी, और अगर मैं पोर्ट्रेट मोड, अभी मैं आपको पोर्ट्रेट मोड यानी कि मैं वर्टिकल वीडियो करता हूँ, ज़्यादातर मैं रील्स बनाता हूँ, तो रील्स बनाने के लिए मेरा वर्टिकल अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो भी, और वॉर्टेक्स मोड यानी कि वॉर्टेक्स मोड में मैं 360 घुमाऊँगा तो भी ये स्क्रीन इसको टच नहीं करेगी। बहुत ही सोच समझ कर एक उम्दा गिम्बल जो बनाया गया है वो है Zoom Bevel 2। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube पे अभी के अभी कमेंट करें ताकि आपको आगे का अपडेट मिल चुके। दोस्तों अभी अलविदा लेता हूँ, बहुत जल्द मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, जय श्री कृष्ण, आओ जो